وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ دو چار دن میں ہمارے درمیان میں آ رہا ہے، جس کا ہم کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے. اب وہ چند ہی دنوں میں ہمارے پاس میں مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مہمان کا اکرام ہو، مہمان کا استقبال ہو. تو رمضان المبارک کا مہینہ گویا ہمارے درمیان میں جو آ رہا ہے ایک مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اور ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اونچا سے اونچا مقام اور مرتبہ دلانے کے لیے آ رہا ہے. اور رمضان کیا ہے، اگر اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے اور اس کے اندر کیا اجر و ثواب ہیں، کیا انعامات ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے
तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगे कि पूरा साल रमजान का महीना रहे, पूरा साल गोया रमजान रहे। और रमजान के माना ही होता है जलाने के, कि रमजान आता है तो गुनाहों को जला दिया जाता है। कि जब बंदा रमजान का हक अदा करता है और उसके लिए तैयारियां करता है और उसके लिए अल्लाह के सामने मुतवज्जे होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को माफ फरमा देते हैं, खताओं को माफ फरमा देते हैं, गुनाहों को जला देते हैं। इसलिए आने वाले रमजान का हम कमा कहू इस्तकबाल करें। प्यारे आका ताजिदा ने मदीना अभी ने लिख दिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान आता था तो आपका चेहरा बदल जाता था, आपके चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता था और आप दुआओं के अंदर बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते। और एक रिवायत में आता है कि आप अपनी लुंगी को मजबूत बांध लेते कि जब तक रमजान पूरा न होता वहां तक बिस्तर पर तशरीफ न ले जाते, कि आप रमजान की इस तरीके से फिक्र कर रहे हैं। और ये माहे मुबारक, इसके फजाइल बेशुमार हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने के मुताबिक बयान फरमाया, जैसे कि मैंने शुरू में कुरान करीम की आयत को तिलावत आपको पढ़ करके सुनाया है, जिसमें रमजान का जिक्र किया गया है कि मुबारक महीना रमजान का महीना, ये वो महीना है कि जिस महीने में कुरान करीम का नुजूल हुआ है, कुरान करीम इस महीने के अंदर उतरा है। और रमजान का और कुरान का गहरा ताल्लुक है, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमजान के अंदर कुरान का दौर करते थे और साथ में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते, आप सुनते या सुनाते कुरान करीम का आपस के अंदर रमजान के अंदर दौर होता था। लेकिन आज अल्लाह माफ फरमाए, जो शोक पहले जमाने के अंदर था, पहले चंद सालों के अंदर था, आज वो शोक खत्म हो गया। कुरान के दौर करने का, हल्का लगाने का शोक, हालांकि ये नबी अलैहिस्सलाम का एक पसंदीदा अमल है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल आते हैं, कुरान का दौर करते हैं, लेकिन ये शोक खत्म होता जा रहा है। तरावी के बाद के अंदर जो घरों के अंदर कुरान के हलके लगते थे, जो मस्जिदों के अंदर कुरान के हलके लगते थे, आज वो सिर्फ नाम के रह गए, और वो भी छोटे छोटे बच्चे हलके करते हैं। और बड़े जो खुशी के साथ, शोक के साथ जो पहले हलके करते थे, और महीने में हलके के अंदर दो खत्म करते थे, कोई तीन खत्म करता था, लेकिन जिस वक्त से मोबाइल का जमाना बढ़ता चला गया है तो मोबाइल की वजह से आदमी फारिग नहीं हो रहा है और कुरान करीम का हल्का करने की तौफीक नहीं हो रही है और न कुरान को तन्हाई के अंदर अकेले पढ़ने की तौफीक हो रही है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, कोई मामूली किताब नहीं है, बड़ी मुकद्दस किताब है। और कुरान करीम ये वो किताब है जिसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा लुत्फ आएगा। दुनिया की दूसरी किताब को आप पढ़ लो, एक मतलब
مرتبہ پڑھنے کے اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لیکن قرآن کو آپ جتنا پڑھو گے اور جتنی تلاوت کرو گے اتنا ہی زیادہ شوق پیدا ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ لیکن آج بزرگ کو اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو وہ قرآن ختم کرتے ہیں، کوئی تین ختم کرتے ہیں، کوئی پانچ ختم کرتے ہیں، اور جس کو توفیق ہی نہیں ہوتی حالانکہ پڑھے ہوئے ہیں تو پورا قرآن کو دور کی بات، رمضان میں دو چار پارے پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ دیکھو معمولات الگ چیز ہے، وظائف الگ چیز ہے، تسبیحات الگ چیز ہے، اس کے اوپر جو ملنے والا ہے اور قرآن پڑھنے پر جو ملنے والا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ایک آدمی کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعا مانگنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے تسبیحات پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اوراد و وظائف پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا مرتبہ نیچا ہے اور اوراد و وظائف کا مرتبہ اونچا ہے، بلکہ اوراد و وظائف اور اسی طریقے سے تسبیحات سے بھی زیادہ وہ آدمی قرآن کی جو تلاوت کرے گا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر دعاؤں کے اندر وقت خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن قرآن پڑھنے پر جو ملے گا وہ اس سے بھی زیادہ ملے گا، وہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس لیے قرآن کو اپنا رمضان میں خاص معمول بنا ہے، روزانہ کا معمول بنا ہے، اور ہلکے آپس میں بیٹھ کر کے شروع کرے تاکہ آپس کے اندر غلطی ہو تو ایک دوسرے غلطیوں کو بتائے اور قرآن کو صحیح کرنے کی توفیق ہو۔ اور بہت سارے حضرات کو نہ تو قرآن دین میں پڑھتے ہیں، نہ رات میں پڑھتے ہیں، نہ حلقوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور نہ ان کو پورا قرآن تراویح کے اندر سننے کی توفیق ہوتی ہے۔ پہلے سے ہی موڈ بنا لیا ہے کہ اپنے قرآن سے تراویح نہیں سننی ہے، دس سورتوں کے اندر کام کو نمٹا دینا ہے، الحمدرا کی تراویح سننی ہے، پہلے سے ہی منہ بنا دیا ہے تو پھر اس آدمی کو قرآن کی طرح بھی سننے کی توفیق نہیں ہوگی اور وہ آدمی رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اور رمضان یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندے کی ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ہر دن ہر رات میں جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور بندے کے تناقض کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہے آگے بڑھنے کی چیز کہ ہم تراویح میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، صدقہ خیرات کے اندر اور استغفار کی کثرت میں، درود پاک کی کثرت کے اندر ہم رمضان کے اندر آگے بڑھے۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کی طرف طلبگار تو نیکی کی طرف آگے بڑھ، اور اے شر اور برائی کی طرف دوڑنے والا پیچھے ہٹ۔ اس طریقے سے پکارا جاتا ہے، رمضان مبارک کے اندر بندوں کے تناقض کو دیکھا جاتا ہے کہ کون نیکیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ والوں کے واقعات ہم پڑھے کہ رمضان کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا کہ پورا پورا مہینہ رمضان کا تلاوت کے اندر، نماز کے اندر، نوافل کے اندر، دعاؤں کے اندر اس طریقے سے پورا پورا رمضان گزارا ہے کہ بات کرنے کی بھی فرصت نہیں، صرف ایک دو گھنٹے آرام کر لیا اور پھر عبادت کے اندر اوامین جات، تہجد اور اشراق، نوافل نماز، قرآن کی تلاوت اس کے اندر مشغول ہو جاتے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن کریم ختم فرماتے، ایک دین کا اور اسی طریقے سے ایک رات کا اور ایک تراویح کا۔
तीन तरावी का। इस तरीके से आप रमजान मुबारक के 63 कुरान करीम खत्म फरमा दे। और आज भी इतने अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, अगर आप तलाश करोगे तो मिल जाएगा कि जो कोई 15 कुरान खत्म करते हैं, कोई 20 कुरान खत्म करते हैं, तो कोई 30 कुरान रमजान के खत्म करते हैं। मंगोल में भी ऐसे लोग हैं कि जो इतने इतने कुरान खत्म करते हैं कि जिनका मशवरा कुरान ही होता है। एक हाफिजा मिले तो वो रमजान के अंदर 2-3 साल से ही पहले, मामूल है, मामूल की बात कर रहा हूँ, 30 कुरान खत्म करते हैं रमजान के अंदर। 30 कुरान रमजान के अंदर, 30 कुरान। और आज बुजुर्ग अल्लाह माफ फरमाए, हमारा एक कुरान भी पूरा सही मानो के अंदर खत्म नहीं हो रहा है। तो एक चीज तो ये कि रमजान में कुरान से हमारा ताल्लुक और रब्त ज्यादा हो और कुरान की तरावी सुने। अगर हमें सबर है तो रमजान का महीना तो हम अल्लाह को दे दे, कारोबार का हमें फिक्र है तो कारोबार को आगे पीछे कर दे, खेती को आगे पीछे कर दे, अपने रमजान का एक शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल बनाए कि पूरे दिन के अंदर मुझे इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त मुझे नवाफिल पढ़ना है, इस वक्त मुझे कुरान पढ़ना है और इस वक्त मुझे मस्जिद के अंदर जाना है। मैं पूरा साल दुनिया 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 करता हूँ, अगर रमजान के अंदर मैं दुनिया को छोड़ दूंगा या रमजान के अंदर मैं आधा दिन दुनिया कमाऊंगा और आधा दिन मस्जिद को दे दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। खेती करने वाला अगर पूरा साल खेती खेती कर रहा है, खेती में से आधा दिन मस्जिद को दे दे, इबादत के लिए दे दे, तिजारत करने वाला अपनी तिजारत को आधे दिन के लिए बंद कर दे, या रमजान के अंदर कोई हंगामी नौकर रख ले ताकि पूरा दिन मेरा कारोबार के अंदर मशगूल ना हो और रमजान का हक अदा हो। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान आता था तो आपके अंदर 3 चीजों के अंदर इजाफा हो जाता था। आमतौर पर भी आप उन चीजों को किया करते थे लेकिन रमजान के अंदर खुसूसन इन चीजों के अंदर बढ़ोतरी हो जाती थी। एक तो ये कि आपकी इबादत में कसर हो जाती थी, बहुत ज्यादा सजदे नमाज रुकू तिलावत इसके अंदर आप मुनहमिक हो जाते। और दूसरी चीज कि आप अल्लाह के सामने मुतवज्जे होने में, गिरे अवसारी में, रोने धोने में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते। और इसी तरीके से तीसरी चीज कि आप रमजान के अंदर अपनी सखावत को बढ़ा देते थे। आपकी सखावत तो मशहूर है लेकिन रमजान के अंदर आप अपनी सखावत को यानी कि माल खर्च करने को और ज्यादा कर देते थे, भूख से आप काम नहीं लेते थे। तो ये चीजें हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, इबादत, दुआ, सखावत, कुरान करीम की तिलावत, कि ये मामूलात ऐसे हैं कि जिसके जरिए से हम रमजान का कमा हक का हुक अदा करेंगे। आज बुजुर्गो दोस्तों, सखावत के अंदर भी एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम सखावत कर रहे हैं और रमजान में खुसूसन हमारे दिल नरम होते हैं, जो भी मांगने आता है वो महरूम नहीं जाता है, उसको हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन रमजान के अंदर खुसूसन बनावटी फकीरों का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है और वो गैर मुस्लिम भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, कोई तहकीक भी नहीं होती है। और खुसूसन हमारी औरतें बाजारों के अंदर उनको माजूर समझ करके और उनकी बातों में आ करके बेधड़क ज़कात को दे देती हैं, सदका खैरात को दे देती हैं। ऐसे वक्त के अंदर, नाजुक दौर के अंदर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तहकीक करके अपनों के अंदर हमारा माल खर्च हो और जो सही मान में गरीब है उन तक हमारा माल पहुंचे, तो फिर वो सदका हमारा कबूल भी होगा और फिर वो सदका अल्लाह की नुसरत और मदद को लाएगा। वरना जो मेरा उसको दे दिया, जो मेरा उसको दे दिया और कोई तहकीक नहीं, कहां से आए, क्या है, क्या हुआ, कैसे आए, कुछ भी नहीं और दे दिया, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस वक्त गुजरात के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग
पकड़ गए हैं, ये जो ईमान और इस्लाम के नाम के ऊपर लोगों से भीख मांग रहे थे और खुसूसन हमारे मोहल्ले के अंदर इस तरीके से वो घूम फिर रहे थे। इसलिए तहकीक जरूरी है। और ऐसे भी रमजान मुबारक का महीना ये बरकतों वाला महीना है, तो एक और चीज की तरफ हमें ध्यान देना है। आमतौर पर मस्जिदों के अंदर तरावी होती है, छोटे बच्चे एक दो दिन तरावी पढ़ते हैं या उसमें भी कुछ नौजवान भी शरीक हो जाते हैं। हर मस्जिद में तरावी होती है और वो लोग बच्चे और नौजवान मिल करके गेरों के इलाके के अंदर जाते हैं, उनके सोने का वक्त होता है और हमारे जागने का वक्त होता है, और जाकर के चिल्ला कर शोर करके उन लोगों को तकलीफ देते हैं, कभी उनकी दुकानों पर नुकसान पहुंचा देते हैं, तो कभी क्या तो कभी क्या, और इस तरीके से खिंचने का और लड़ाई झगड़े का छोटे बच्चे के जरिए से आपस के अंदर पैदा हो जाता है और फिर आपस के अंदर दो कौमें आमने सामने हो जाती है। इसलिए खुसूसन हमारे बच्चों को हम देख रखे, हमारे नौजवानों की देख रेख रखे कि इस वक्त के अंदर हम रात के वक्त के अंदर भी तरावी के बाद के अंदर भी हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वहां कोई जाने की जरूरत भी नहीं है। कि ये हमारा मजहब हमें सबक नहीं देता है कि हम अपने पाकीज़ा महीने में गेरों को तकलीफ पहुंचाए। और तीसरी चीज, मस्तूरात को खुसूसन रात के वक्त के अंदर तरावी के बाद के अंदर बाजारों के अंदर खरीदों के लिए खरीदी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज की तरफ से बैतुल माल की तरफ से ऐलान भी आया है, मैं सुनाऊंगा। रात के वक्त तरावी के बाद के अंदर खरीदी करने के लिए जाना जरूरी नहीं है, दीप में खरीदी करे वो भी मेहनत के साथ के अंदर। अगर कोई सख्त जरूरत है, रात के वक्त जाने की जरूरत आ गई, नौबत आ गई, तो वो भी घर के भाई बेटे बाप के साथ के अंदर शोहर के साथ के अंदर जाए, उसके बगैर न जाए। और इसी तरीके से बुजुर्गों और दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने के अंदर एक तो माल खर्च करने के अंदर तहकीक पूरे पूरी करें, दूसरा इस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी रखिए, नौजवानों की निगरानी रखिए, और अपनी मस्तूरात को रात के वक्त हम निकलने से एहतियात करें, और उसके साथ के अंदर हम बुजुर्गों और दोस्तों अपनी मस्जिदों को खूब आबाद करें। इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो हालात खोलने जैसे नहीं है, और खुसूस मुल्क फलस्तीन के अंदर ये महीना ऐसा महीना है, अल्लाह से मांग करके हालात को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने एक मौका दिया है, रमजान का महीना दिया है कि हम अपने मुल्क के हालात को दूर करने के लिए, और उसके साथ के अंदर जो मुल्क के अलावा पूरी दुनिया के अंदर हालात हैं, बच्चे नौजवान बूढ़े मजदूरात जो परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं उनके हालात दूर हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर हम अमान कायम हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर हिदायत फैल जाए, इसके लिए अल्लाह को मनवाने का महीना अल्लाह ने दिया है। तहज्जुद का एहतमाम करे और तकबीर गुला के साथ के अंदर नमाजों का एहतमाम करे, और इसी तरीके से जितना हो सके हम अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए कमोबेश वक्त के लिए तीन दिन के लिए अल्लाह के रास्ते के अंदर रमजान के अंदर बार बार जाए, अल्लाह वालों की सोहबत में अगर हमारे पास वक्त है खानका में जाए कि मुबारक महीने के अंदर जितना हम लाभ उठाएंगे फायदा उठाएंगे उतना ही हमारा नफा होगा, और जिसका जैसा रमजान गुजरेगा वैसा उसका पूरा साल गुजरेगा। अच्छा रमजान गुजरा तो अच्छा साल गुजरेगा, अगर पूरा रमजान गुजरा तो फिर पूरा साल गुजरेगा, और इसके लिए रमजान से पहले ही अच्छे रमजान को गुजारने का हम मूड बनाए और उसका तमाम तौर इस्तेमाल करें और उसकी तैयारी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।